हाय दोस्तों, मैं सोम आपके लिए फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा कैसे आप अपने सेकी वीडियो को स्टेबिलाइज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई मोबाइल से अपने हाथ में रखकर कोई वीडियो शूट करते हो, वो सेकी हो जाते हैं, सेक हो जाता है, ठीक है, सेक होता रहता है। अगर आप पैदल जाते जाते कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो वो सेक होता रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा कैसे आप एंड्रॉयड की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से उस सेकी वीडियो को आप स्टेबिलाइज कर सकते हो, यानी स्मूथ कर सकते हो। तो इस वीडियो को तुम आखिर तक देखते रहे, कोई पार्ट स्किप मत कर देना। और दोस्तों मैं बता दूँ, मेरा चैनल पे अभी चैनल प्रमोशन का सीजन चल रहा है, तो ये वीडियो मुझे भेजा है एटी और उन ट्रिक्स ने, जिसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो उसका चैनल पे जरूर विजिट करना, बहुत अच्छा वीडियो बना लेता है। और अगर इस वीडियो से आपका थोड़ा बहुत नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और नीचे कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और अगर आप ऐसे ही यूनिक वीडियोस और बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरा चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, साइड में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना, ताकि फ्यूचर की वीडियोस आपकी मिस ना हो जाए। तो यार शुरू करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हम अपने वीडियोस को कैसे स्टेबलाइज करें, जी हाँ, वो भी अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं उनको थैंक्स कह देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने चैनल पर हमारा एक छोटा सा वीडियो डालने का मौका दिया। सो थैंक्स भाई सोम वीडियो अपलोड करने के लिए। जैसे कि गाइस आप अपनी स्क्रीन पर दो वीडियो क्लिप देख रहे हैं, एक वो वीडियो है जो कि स्टेबलाइज की गई है और एक वो है जो कि ओरिजिनल है। तो आज हम यही सीखेंगे कि हम अपनी वीडियो को स्टेबलाइज कैसे करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो या गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने वीडियो को स्टेबलाइज कर पाओगे। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर ये फोटोज़ नाम का एप्लीकेशन है, ऑलरेडी आपके मोबाइल में होगा। अगर नहीं है तो बेसिकली आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कर लीजिए इस एप्लीकेशन को, गूगल की तरफ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आप इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद आप अपनी वो वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप स्टेबलाइज करना चाहते हो। तो हम ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं कि वीडियो कितना शेक कर रहा है। अब हम इसको स्टेबलाइज करेंगे। तो स्टेबलाइज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आपको नीचे सेटिंग का आइकन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको नीचे यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, रोटेट एंड स्टेबलाइज। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो स्टेबलाइज का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका जो वीडियो है वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एंड नाउ गाइज हम इसको प्ले करके देखते हैं और देखते हैं कि ये कितना जो है स्टेबलाइज हो चुका है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि पहले कितना शेक कर रहा था वीडियो और अब कितना स्टेबलाइज हो चुका है। तो गाइज आप इस तरह से फोटोज एप्लीकेशन को यूज़ करके स्टेबलाइज कर सकते हो वीडियो को। अगर सेव की बात है तो आप सेव ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है सेव, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और आपका जो वीडियो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है गाइज। एंड गाइज आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी सोम टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको नीचे रेड कलर का बटन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। और साथ में हमारे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।